हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। सो एक महीने तक दुरंग का फुटबॉल चला, जहां पर सभी टीम्स एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रही थी, और अभी फाइनली हमारे पास दो टीम्स है जो कि एक दूसरे के साथ कम्पीट करेगी वो दुरंग का ट्रॉफी जीतने के लिए। एक साइड पे है हमारे पास मोहन बगान सुपर जायंट्स, जो कि बैक टू बैक दुरंग का ट्रॉफी जीतने की कोशिश करेगी, और साथ ही साथ ये उनका 18th टाइम रिकॉर्ड होगा भाई, जो कि दुरंग कप उनके टाइटल अपने नाम कर सकती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड एक और जो टीम है वो जो खड़ी है वो हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए खड़ी है। जी हाँ, वो लोग अगर दुरंग कप जीतते तो वो पहली बार होगा, और तो और वो लोग की क्लब की जो ट्रॉफी है वो फर्स्ट टाइम वो लोग कौन सा ट्रॉफी जीतने वाले। तो ये वाले वीडियो में आइए बात करेंगे कि भाई किसका ज्यादा चांसेस है, किसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, और कौन कौन से ऐसे बैटल्स है, कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स है जो कि ये जो फाइनल है वो अपनी टीम की तरफ कर सकते हैं, और मुझे क्या लगता है पर्सनली कि मेरे को क्या लगता है, मैं क्या चाहता हूं कि कौन सी क्लब ये दुरंग कप का ट्रॉफी जीते। तो भाई लेट्स स्टार्ट द वीडियो, अभी दोनों के पर्सपेक्टिव से बात करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का जो कैंपेन रहा है ये पूरे दुरंग कप में अगर आप देखोगे काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, एंड ये जो परफॉर्मेंस देखे डेफिनेटली कोई सारे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फैंस को ऐसा लग रहा है कि यार फाइनली जो टीम है वो अच्छे से बिल्ड हो रही है। एंड ये पूरे टूर्नामेंट में देखोगे उनका डिफेंस काफी अच्छा रहा है, उन्होंने बहुत कम गोल्स का है। सेमीफाइनल में भी अगर आप देखोगे तो उन्होंने एक भी गोल नहीं किया, उसके पहले इंडियन आर्मी को उन्होंने जो क्वार्टर फाइनल्स में हराया था तो वो भी काफी उन्होंने एक ही अच्छा गोल खाया था। तो पूरे कैंपेन में अगर आप बात करोगे उनका डिफेंस काफी अच्छा है। यस, एक चीज आप बोल सकते कि उन्होंने अभी क्वालिटी अटैक जैसे कि मोहन बगान को फेस करने वाली है, तो वैसा क्वालिटी अटैक उन्होंने अभी तक फेस नहीं किया उनके डिफेंस ने, बट स्टिल जितना भी हमने देखा है उनका डिफेंस काफी अच्छा है। तो ये देखने लायक होगा कि वो लोग जो क्वालिटी अटैक है मोहन बगान का, जैसे कि लिस्टन हो गया, मनवे, डीमी पेट्रोस, कमिंस, फिर बाद में ग्रेग स्टीवर्ट, तो ये सबको कैसे हैंडल कर पाएंगे। और तो और आपको 90 मिनट्स तक ये हैंडल करना है, एंड साथ ही साथ सॉल्ट लेक पे पूरा फैंस का प्रेशर रहेगा, तो उसके सामने नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की जो डिफेंस है वो कैसे काम करेगी वो देखने लायक होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट उनके अटैक में काफी अच्छे हुए, जो मोरगन प्लेयर है वो काफी अच्छा लास्ट टाइम उसने गोल मारा। जितिन भाई, आई एम रियली एक्साइटेड कि जितिन हमारे मोहन बगान सुपर जायंट्स के जो डिफेंडर है उनके साथ कैसे खेलेगा। बिकॉज अगर बात करें मोहन बगान का जो डिफेंस है वो थोड़ा बातचीत चल रही कि भाई थोड़ा ऊपर नीचे है, तो यहाँ पर मैं देखने लायक होगा, देखने लायक ये होगा कि भाई जितिन एमएस जो कि बहुत खतरनाक फॉर्म है, चाहे वो फिनिशिंग हो जाए, चाहे वो ड्रिबलिंग हो जाए, सब कुछ हो जाए, असिस्ट भी क्यों ना हो जाए, वो बहुत अच्छे फॉर्म है, तो वो कैसे मोहन बगान डिफेंडर्स को अटैक कर पाएंगे, तो वो कैसे टैकल कर पाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड यहाँ पर ये जो जितिन एमएस का अगर अच्छा गेम जाता है तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की तरफ ये गेम मेरे को लगता है कि पट जाएगा, या तो जीत सकते हैं अपन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। और तो अगर आप बात करें नेस्टर जो कि उन काफी अच्छा कर रहा है, नेस्टर इनके जो फॉरेन प्लेयर्स है, एंड गुलेरमो जिसने स्कॉर्पियन किक मारी थी, तो वो भी आई गेस लास्ट टाइम उसने स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि ये मैच में वो स्टार्ट कर सकते हैं। एंड तो एंड उनका जो गोलकीपर गुरमीत वो काफी अच्छा है, पीछे लास्ट टाइम मिर्चर ऐसा कुछ तो था, तो वो गोलकीपर इतना ओके ओके था, बट गुरमीत के पास भी काफी अच्छा गोलकीपिंग स्किल्स है, उसने गोल्स बचाए हैं, अभी तक सेव्स भी बहुत अच्छे किए हैं। तो नॉर्थ ईस्ट के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे लाइक वो काफी बैलेंस टीम लग रही है। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा ये दोनों टीम में से कि कौन सी एक अच्छी बैलेंस टीम लग रही है, मेरे को लग रहा है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एक बैलेंस टीम लग रही है, जहां पर एक अच्छा खासा बैलेंस तो आपको दिख रहा है। और एक चीज मैं बोल सकते कि दे आर नॉट हेविली डिपेंडेंट ऑन वन प्लेयर, मे बी हाँ जितिन एमएस फॉर द गोल्स, नेस्टर हो गया, पार्थिव गोगन ने लास्ट टाइम गोल मार था, पर ये जो टीम है वो मुझे काफी सेटल और बैलेंस लग रही है, एंड दे कैन डेफिनेटली ऑन द गिवन डे जीत सकते हैं तो हरा भी सकती है अपन मोहन बगान सुपर जायंट्स को। लेकिन उसके बाद बात करेंगे मोहन बगान सुपर जायंट्स के बारे में। अभी ये जो मोहन बगान सुपर जायंट्स का जो कैंपेन रहा है स्पेशली इन द नॉकआउट्स, नॉकआउट्स में तो हम सबको पता है, यस भले ही आपके थापा ने मनवीर सबने गोल्स मारा है, बट एक चीज तो आपको क्रेडिट देनी पड़ेगी, दैट इज विशाल केत। जी हाँ, विशाल केत की वजह से यहाँ पर मोहन बगान सुपर जायंट्स सबको फाइनल में दिख रही है, नो हेट ठीक है, बट आप लोग भी अग्री करोगे कि बिकॉज विशाल केत अगर नहीं होते पेनल्टीज में तो आई डाउट कि आप लोग फाइनल तक ना पहुंच जाते, तो यहाँ पर विशाल केत डेफिनेटली एक बिग रोल प्ले करेंगे अगर पेनल्टीज में जाते हैं तो, ऐसा मुझे लगता है। बाकी पूरी टीम के बारे में बात करोगे ये तो बोल नहीं सकता कि हम लोग ये पूरी बैलेंस टीम है, बिकॉज अभी तक जो जोसे मोलिना है वो अपना कॉम्बिनेशन सेट करने की कोशिश करे कि यार किसको खिलाए किसको खिलाए ना जाए। एक जो मेरे दिमाग में सवाल है कि क्या वो मनवीर सिंह को खिलाएगा राइट विंग बैक पे अगर वो बैक थ्री के साथ जा रहा है, या आशीष राय को खिलाएगा। लास्ट टाइम अगर आप बात करोगे बेंगलुरु एफसी के साथ उसने मनवीर सिंह को खिलाया था, अभी मैं भी मनवीर सिंह के साथ ही जाऊंगा, बिकॉज कैसा है कि आशीष राय जितना जो डिफेंड करते हैं मेरे हिसाब से मनवीर भी अच्छा खासा कर लेते हैं, बिकॉज 2-3 साल तो हो ही चुके एटलीस्ट कि वो विंग बैक खेल रहा है, उसको डिफेंस करना आता है, प्लस मनवीर सिंह आपको वो जो रन्स बनाएगा वो अटैक में भी हेल्प करेगा, तो मेरे हिसाब से मनवीर सिंह ही खेलेगा आशीष राय के जगह। एंड सुभाषी बोस का इंजरी यहाँ पर देखना पड़ेगा, बिकॉज लास्ट टाइम में वो बीच में यहाँ पर सब ऑफ हो चुके थे, यस वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, बट यहाँ पर देखना पड़ेगा कि अगर वो स्टार्ट करते भी है तो वो क्या फुल्ली फिट एंड फैन होंगे, या तो फुल्ली फिट होंगे अपना 100% दे पाएंगे कि नहीं, वो देखने लायक होगा। मिडफील्डर में तो ऑब्वियसली आपको सवाल देखने मिलेंगे, थापा हो गया, अनिरुद्ध थापा हो गया, एंड अपुया देखने मिलेंगे। लिस्टन ऑब्वियसली विंगर काफी अच्छा कर रहा है, लिस्टन जी हाँ लिस्टन को
कैसे टैकल करेगी यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की डिफेंस, वो बहुत देखने लायक होगा। बिकॉज लिस्टिंग को अगर आप देखोगे ये पूरे दुरंग कप कैंपेन में वो काफी अच्छे फॉर्म में है, फ्लो में है, भले ही गोल्स उसके नाम इतने नहीं है बट ही इज लुकिंग एट द फ्लो, वो कुछ तो हैवॉक क्रिएट कर सकता है और इन्फ्लुएंस कर सकते हैं गेम को भी। चलो ठीक है, असिस्ट दे दिया तो कुछ ऐसा प्ले बना दिया जिससे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड और ट्रबल में आ सकती है, कैन टेक लॉन्ग रेंज शॉट ऑल्सो, तो वो भी यहाँ पर देखने लायक होगा। डिमिट्रोस लास्ट गेम में इतना मुझे इन्फ्लुएंसर नहीं लगे, ठीक है, ज्यादा वो इन्वॉल्व नहीं थे ऐसा मुझे लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि ग्रेग स्टुअर्ट अगर स्टार्ट करेंगे मे बी देयर इज अ ऑप्शन कि ग्रेग स्टुअर्ट स्टार्ट कर ले इन केस ऑफ कमिंस, बट मुझे लगता है कि कमिंस विल स्टार्ट। एंड देखो कमिंस इज अ बिग मैच प्लेयर, भले हम लोग बात करते हैं कि भाई टैप इन बट मैच बड़ा हो जाए, अगर आपको पता है आईसीएल शील्ड डिसाइडेड जहां पर उसने गोल मारता, तो मुझे ऐसा लगता है कि कमिंस का बहुत अच्छा गेम होने वाला है ये वाले फाइनल में। एक चीज यहाँ पर दोनों टीम्स के बारे में बात करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को अगर ये मैच जीतना है, मैं सेम चीज रिपीट करूंगा, दे हैव टू विन इट इन 90 मिनट्स, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि चलो ठीक है 70 मिनट आपने अच्छा खेल लिया और 2-3 मिनट के लिए आप बोल देंगे चलो ठीक है हम जीत जाएंगे, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। अगर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को ये पूरा मैच जीतना है तो ये फाइनल जीतना है, दे हैव टू बी रियली रियली परफेक्ट अंटिल दैट फाइनल विसल। फाइनल विसल बच जी जाती ना उसके पहले नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड लाइटली नहीं ले सकती या तो कुछ एरर नहीं कर सकती, बिकॉज हमने देखा था भेके बाव ने क्या एरर किया था, उसके वजह से यहां पर मोहम्मद फिर से कमबैक आ गए थे। और यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फिर से 2-0 के लीड लेती है सॉल्ट लेक में, तो ऐसा नहीं सोचने का कि भाई 20 मिनट है चलो ठीक है आराम से कर लेंगे, बिकॉज मैं बता रहा हूं गाइस मोहन बगान सुभाष ये टीम है, इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स इंडिविजुअल ब्रिलियंस, उनको एक मौका दो, बस एक मौका दो, वो एक मौका को ऐसा यूटिलाइज करेंगे ना भाई आपको फाड़ देंगे, और हमने बहुत बार देखा है। और प्लस अब क्या 12th मैन है मोहन बगान, 12th मैन रहेगा, तो आई गेस अगर मोहन बगान सुभाष गंदा भी खेलती है ऑन द गिवन डे उनको बस एक मौका चाहिए, एक मौका दो आपको पछाड़ देंगे, मैं बता रहा हूं आपको पछाड़ देंगे। और अगर ये मौका या तो एक फाइनल ये फाइनल अगर पेनल्टी में आता ना भाई, मैं बता रहा हूं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड हार जाएगी। आई एम टेलिंग यू नॉर्थ ईस्ट के पास अच्छा चांस है कि विद इन 90 मिनट्स आप जीत सकते हो, अदरवाइज पेनल्टीज में तो मोहन बगान जीतेगी। तो दोनों ही टीम्स काफी अच्छी है, काफी कॉम्पिटेटिव है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड पहली बार कौन सा क्वालिटी अटैक है क्वालिटी टीम के साथ खेलने वाली है, नो डिसरिस्पेक्ट टू द अदर टीम्स, बट जो फाइनल है वो बहुत ही खतरनाक होने वाला है। आई पर्सनली विश कि यार पेनल्टीज में जाए एंड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ये जो कर्स है विशाल केत का या तो विशाल केत साझा उसको टैकल करके वो ट्रॉफी जीत सके। एंड नाउ कमिंग ऑन टू द प्रेडिक्शंस गाइस, अभी प्रेडिक्शन और प्रेफरेंस, ठीक है, प्रेडिक्शन और प्रेफरेंस ये दोनों अलग बात है। प्रेफरेंस में क्या, प्रेफरेंस मतलब मैं क्या चाहता हूं, मैं तो ये चाहता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड जीते। अभी ऑब्वियसली लोग बोलेंगे आप लोग चालू हो जाएगा भाई तू तो हेट करता है मोहन बगान सुपर जायंट्स को, सिंपल सी बात है भाई, पहली बार दुरंग कप के फाइनल में आए, पहली बार चांस है हिस्ट्री में कि क्लब की पहली ट्रॉफी होगी, पहली बार वो लोग दुरंग कप जीतेंगे, तो उस पर्सपेक्टिव से मैं चाहता हूँ कि दुरंग कप ट्रॉफी यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड जीते। और अगर ट्रॉफी जीती है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फैंस तो भाई आपको फैंस में देखना वो इंप्रूवमेंट, वो जो जल्ला होगा ना भाई व्हेन दे विल एंटर द आईएसएल सीजन वो बहुत ही हाई होगा और ऐसा चाहिए, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का आपको पता है 2-3 साल से बहुत डाउनफॉल चल रहा है। तो आई रियली होप कि अगर ये लोग ट्रॉफी जीतते तो और ज्यादा कि मजा आएगा कि फैंस लोगों को मजा आएगी चलो ठीक है ये बार अपन सपोर्ट करेंगे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को, विल डू खतरनाक, इसलिए मैं चाहता हूं कि यहां पर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड जीते। सेकंड चीज यहां पर प्रेडिक्शन क्या लगता है गाइस, प्रेडिक्शन में आई डू थिंक सो यहां पर कि यार आई गेस थोड़ा ऑन द गिवन डे मेरे को लगता है कि आपके पास 12th मैन है, यू हैव इंडिविजुअल ब्रिलियंस एंड ऐसा लगेगा, ऑब्वियसली ऐसा लगेगा कि भाई नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड जीत जाएगी, बट मोहन बगान सुपर जायंट्स will be winning this game in penalties. Yes, it will be hat-trick time. विशाल केत तीसरी बार यहाँ पर मोहन बगान सुपरजायंट्स को बचाएंगे एंड विशाल केत जिताने वाले यहाँ पर मोहन बगान सुपरजायंट्स को अपना बैक टू बैक और 18th रिकॉर्ड टाइम दुरंग कप ट्रॉफी। ये मेरे प्रिडिक्शन से, ये मेरे प्रेफरेंस से, आपका क्या कहना है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए गाइस, आप किसको सपोर्ट करोगे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड या मोहन बगान फैंस, और अगर आप इन दोनों क्लब्स के फैन हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, आर यू फीलिंग नर्वस। और यार मिलेंगे एक और नई वीडियो में, जब तक आपका एंड आपके फैमिली का ध्यान रखेगा, बाय, टेक केयर।